हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आप देखे टेक फ्यूल, मैं आपका दोस्त लकी। तो दोस्तों कैसे हो? आई होप ऑल आर गुड, सब बढ़िया, मजे में, एंजॉय, और ऐसे ही आप लोग इस्तेमाल करते रहा करो यार, अच्छा लगता है। दोस्तों क्या आप कोई ऐसा स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं जो कि 20,000 के अंदर में आता हो और फ्रंट में दो कैमरा हो, या एक बेस्ट सेल्फी कैमरा हो, कैमरे के पर्पज से कोई फोन लेना चाहते हैं, जो आपकी वीडियो बनाना चाहते हैं, ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, टिकटॉक जैसी चीजें हो गई, इंस्टाग्राम पे रील्स हो गई, फेसबुक से एवरीथिंग कैमरे से रिलेटेड चीज, फोटोग्राफी करना चाहते हैं, उसके लिए कोई फोन लेना चाहते हैं और आपका बजट 20,000 के अंदर में है, तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाली है। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो आपको बताऊंगा 20,000 के अंदर मारे वाला बेस्ट कैमरा फोन कौन सा है, जो इस टाइम आप ले सकते हैं, जिसके फ्रंट में बहुत अच्छे कैमरे लगे हुए हैं, जिससे आप फुल HD प्लस की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इनफैक्ट ये वीडियो भी देख रहे हैं, ये भी एक फोन से बनी हुई है। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ फोनों के बारे में बता इस वीडियो में, तो दोस्तों आप लोग वीडियो एंड तक जरूर देखना, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और दोस्तों आप अगर चैनल पर पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि फ्यूचर में जब भी टेक से रिलेटेड वीडियो अपलोड करें उससे पहले आप तक पहुंचे, आप हमेशा अपडेट रहे। दोस्तों ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, चलता सीधा वीडियो की तरफ, देखते हैं कौन कौन से धातु बढ़िया फोन हमारे भी जो कि 20,000 के अंदर में आते हैं बेस्ट इन कैमरा ऑप्शन में। दोस्तों इस चीज में पहला फोन है ये हमारा Realme की तरफ से आला, जो कि दोस्तों ये Realme का 6 Pro, जो कि दोस्तों Realme 6 Pro काफी बढ़िया फोन है। 2020 में लॉन्च हुआ था ये फोन, लेकिन दोस्तों अपनी दमदार परफॉर्मेंस की वजह से खूब ज्यादा मार्केट में छाया, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मार्केट में बेस्ट सेलिंग फोन रहा, और कैमरे के मामले में तो कतई जहर है, इसका कैमरे का मुकाबला अच्छे अच्छे फोनों से होता है। दोस्तों इस फोन में आपको 6.6 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाएगी, जिसका रेजोल्यूशन 1080x2400 पिक्सल है। बात करें सिर्फ कैमरे की, जिसमें क्वाड रियर कैमरे का सेटअप है, जो कि इस तरह से 48+8+12+2 मेगापिक्सल का मैन क्वाड कोर कैमरा दिया गया है। और वहीं इस फोन में सेल्फी के लिए फ्रंट में दो कैमरे लगे हुए, जो कि 16+8 मेगापिक्सल का कैमरा है, और फोन में स्नैपड्रैगन 720G का प्रोसेसर लगा हुआ है। इस फोन में आपको 43mAh की बैटरी मिल जाएगी, जो कि 6GB रैम और 64GB की इंटरनल स्टोरेज भी मिलेगी, आप इसे 256GB तक बढ़ा सकते हैं। और इसकी कीमत की बात करो, ये 18,000 रुपए शुरू हो जाती है, जो कि दोस्तों इस कीमत में आने वाला काफी बढ़िया फोन है। फ्रंट में आपको दो कैमरे मिल जाएंगे, जिससे वीडियोग्राफी करने में काफी मदद मिलेगी, आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, यूट्यूब पे ब्लॉगिंग करना हो या फेसबुक से रिलेटेड कोई भी चीज हो, इंस्टाग्राम बनाते हैं, स्नैक्स बनाते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, ऐसी चीजें, उनके लिए बेस्ट कैमरा ऑप्शन है फ्रंट में आपको। अब बैक से भी 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है 60fps पे, जो कि दोस्तों काफी बढ़िया है। ये जो वीडियो देख रहे हैं दोस्तों 30fps पे बनी है, जो कि इसी क्लियरिटी देख लीजिए, लेकिन इसका डबल क्लियरिटी होगा इसको उस कैमरे से, उससे रिलेटेड कैमरा जो होगा 60fps की वीडियो रिकॉर्ड करेगा, और नाइट विजन वगैरह में भी अच्छी इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाएगी, जो कि काफी बढ़िया और धांसू फोन है हमारे भी, इसको भी ट्राई कर सकते हो। और दोस्तों वैसे इन सारे फोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा रहा हूँ, वहां से जाकर के आप इनको डायरेक्ट खुद से परचेज कर सकते हैं, और इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेना हो तो वहां से आप ले सकते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले फोन की तरफ। अगला फोन है इसमें हमारा सैमसंग की तरफ वाला, ये हमारा सैमसंग गैलेक्सी A31, जो कि दोस्तों ये भी एक बेस्ट कैमरा ऑप्शन के साथ आता है, और सैमसंग गैलेक्सी A31 ये भी कैमरे की वजह से काफी जाना जाता है, इसकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी काफी अच्छी है। दोस्तों आपको यह फोन डिस्काउंट के बाद 20,000 रुपए में मिल जाएगा। गैलेक्सी A31 में आपको 48MP का मैन कैमरा मिलेगा, 5MP का डेप्थ कैमरा और 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलेगा, और 5MP का माइक्रो कैमरा दिया गया। इस फोन में आपको 5000mAh की बैटरी दी गई है। गैलेक्सी A31 की स्क्रीन 6.4 इंच की है, वहीं 6GB रैम 128GB में आपको मिल जाएगा, जिसको बढ़ाकर 512GB तक कर सकते हैं, और फोन में आपको ऑक्टा कोर का प्रोसेसर दिया गया। दोस्तों यह फोन भी कैमरा के मामले में काफी बढ़िया है, इसमें भी आपको क्वाड रियर कैमरे का सेटअप मिल जाएगा, जो कि कैमरा क्वालिटी इसकी काफी अच्छी है, नाइट विजन से लेकर एवरीथिंग कर सकते हो, रात में अच्छी फोटोग्राफी है, डेप्थ मौजूद है इसके अंदर, ब्लर वगैरह सिस्टम होता है वो सब भी है इसके अंदर, 4K तक की रिकॉर्ड कर सकते हो, यह भी एक बेस्ट ऑप्शन साबित हो जाता है इसमें, इसको भी ट्राई कर सकते हो। अब दोस्तों बढ़ते अगले फोन की तरफ। अगला फोन इसमें ये हमारा Xiaomi की तरफ से वाला, ये हमारा Xiaomi का Poco X2, जो कि दोस्तों इससे पहले ये गेमिंग फोन में भी अपनी जगह बना चुका है, लेकिन दोस्तों गेमिंग के साथ साथ इसका कैमरा भी काफी जबरदस्त है। तो ये फोन भी इसमें है, जो कि Poco का X2 काफी पॉपुलर है अपने कैमरे क्वालिटी की वजह से। दोस्तों 16,000 रुपए में आपको Poco X2 भी मिल जाएगा। इस फोन में आपको फोटोग्राफी के मामले में काफी अच्छा माना जा रहा है। फोन में आपको 64+8+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरे का सेटअप मिल जाएगा। वहीं सेल्फी के लिए इसमें 20+2 मेगापिक्सल का मैन कैमरा मिलेगा। फोन में आपको 6.6 इंच की फुल HD पर स्क्रीन मिलेगी, जिसका रेजोल्यूशन 1080x2400 पिक्सल है। फोन में आपको स्नैपड्रैगन 720G प्रोसेसर लगा हुआ, जो कि कॉलकॉम की तरफ से आने वाला है। 6GB रैम की रैम दी गई है इसके अंदर, और आपको 64GB की इंटरनल स्टोरेज, जिसे बढ़ाकर 512GB तक कर सकते हैं, और फोन में आपको 45mAh की बैटरी दी गई है। फोटोग्राफी से लेके एवरीथिंग एक गजब का लुक दे देगा फोटोग्राफी में आपको, एक ऐसी फोटोग्राफी जो कहीं नहीं मिलेगी देखने की। लो लाइट भी हो, डेप्थ सेंसर हो, स्लो मोशन हो, टाइम लैप्स हो, एवरीथिंग काफी गजब की है इसके अंदर। फ्रंट से भी आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, फ्रंट के कैमरे से अच्छी खासा यूज करते हैं, फ्रंट में दो कैमरे हैं इसके, बैक में 4 कैमरे हैं। तो ये कैमरे कॉम्बिनेशन इसकी काफी बढ़िया है, इसको भी ट्राई कर सकते हो, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले फोन की तरफ। अगला फोन इसमें ये हमारा Vivo की तरफ से आला, ये हमारा Vivo S1 Pro, जो कि दोस्तों Vivo की
2017 वाला काफी बढ़िया पॉपुलर फोन है। ये फोन थोड़ा पहले लॉन्च हुआ था, लेकिन दोस्तों कैमरे के मामले में Vivo S1 Pro भी काफी बढ़िया है। जो भी दोस्तों टिकटॉक वगैरह या ऐसी चीजें बनाते हैं एंटरटेनमेंट के टाइम में और छोटे छोटे वीडियोस वगैरह बनाते हैं, उन लोगों के पास अक्सर मैंने ये फोन देखा Vivo का S1 Pro, जो कि दोस्तों काफी बढ़िया चलता है कैमरे के मामले में और बहुत अच्छी क्लियरिटी है इसकी। दोस्तों 20,000 रुपए की रेंज में आपको Vivo S1 Pro भी मिल जाएगा। इस फोन का कैमरा काफी अच्छा है। Vivo S1 में आपको 48 MP का AI क्वाड कैमरा मेन कैमरा दिया गया है और फोन में दिन हो या रात कभी भी पिक्चर क्वालिटी बिल्कुल क्लियर आएगी। फोन में आपको सुपर वाइड और सुपर माइक्रो एंगल कैमरा दिया गया है। वहीं सेल्फी के लिए 32 MP का कैमरा दिया गया है और स्क्रीन की बात करो तो 6.3 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले मौजूद है और 8GB रैम 128GB की इंटरनल स्टोरेज भी है इसमें। फोन में आपको 665 ऑक्टाकोर प्रोसेसर के साथ आता है जो कि क्वालकॉम की तरफ से आने वाला है। जबकि बैटरी की बात करो तो यहाँ पे आपको 4500 mAh की बैटरी दी गई है। अब दोस्तों Vivo S1 Pro भी कैमरे के मामले में काफी अच्छा है। इसका कैमरा बहुत बेहतरीन है, चाहे डे लाइट की फोटो हो नाइट विजन की हो, सब में एक बेस्ट क्लियरिटी आ जाएगी। जूमिंग भी इसकी काफी अच्छा है और वीडियोग्राफी में भी एवरीथिंग बेस्ट है। बैक से आप 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड सकते हो। फ्रंट में 32 MP का कैमरा जो कि काफी बढ़िया है, जिससे आप अगर ब्लॉगिंग करते हो तो वहाँ पे एक अच्छी क्लियरिटी के साथ अच्छी वीडियो बनेगी, तो इसको भी ट्राई कर सकते हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अब दोस्तों बढ़ते अगले फोन की तरफ। अगला फोन इसमें ये हमारा Vivo की तरफ से आने लगे अभी, ये हमारा Vivo का V17 और V17 Pro, जो कि दोस्तों कैमरे के मामले में काफी बढ़िया रहा है। इसके फ्रंट में 2 कैमरे लगे हुए हैं Vivo V17 Pro में और काफी बढ़िया फोन है। स्पेसिफिकेशन भी इसकी काफी अच्छी है और बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी Vivo V17 इस टाइम में। दोस्तों आपको 20,000 रुपए में Vivo V17 भी मिल जाएगा, जो कि सेल्फी के लिए इस फोन में शानदार 32 MP का कैमरा दिया गया है। 48 MP AI क्वाड रियर कैमरे का सेटअप मिल जाएगा। इसमें सुपर नाइट कैमरा मोड और सुपर माइक्रो मोड भी दिया गया है। फोन में आपको HD स्क्रीन 6.4 इंच की है और Qualcomm Snapdragon 675 AI प्रोसेसर पर काम करती है। 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज दी गई है, जिसमें 4500 mAh की बैटरी दी गई है और जो 18W के ड्यूल इंजन फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, जो कि दोस्तों काफी बढ़िया है। कैमरे के मामले में भी इसमें आपको निराश नहीं करेगा, बहुत ही बेहतरीन कैमरा है। इसके अंदर फ्रंट में आपको 32 MP कैमरा मिल जाएगा, जिससे आप स्लो मोशन नाइट विजन में और टाइम लैप्स और जो भी अच्छी चीजें कैमरे से रिकॉर्ड कर सकते हो सारी इसमें कर सकते हो। काफी बढ़िया इसका कैमरा है, तो ये काफी बढ़िया फोन है। तो दोस्तों यह थी मैनेजर मामले बेस्ट फोन, जिसे आप 20,000 के अंदर में खरीद सकते हैं फ्रंट कैमरे के पर्पज पे या बैक कैमरे के पर्पज पे। सारे कैमरे के मामले में काफी गजब के फोन है। तो दोस्तों कैसे लगे फोन हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों आपके नजर में भी कोई ऐसा फोन हो अच्छा फोन जो 20,000 के अंदर माता बेस्ट कैमरा ऑप्शन में, वो भी कमेंट में जरूर बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं ऐड कर सकूं। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि फ्यूचर में जब भी टेक्स रिलेटेड कोई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप हम सब क्रिएट रहे। दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, इजाजत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।